इस वक्त पावर स्ट्रक्चर है और जो आपकी एलीट है उनको जो है पिछले 75 साल से बेशुमार मराद मिले हैं। उनका जो रोल है सियासत में और पॉलिसी मेकिंग में वो बड़ा काफी कंट्रोल में उन्होंने रखा हुआ है हर चीज। अभी भी आपने देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया गया है, ये माशाल्लाह एक अच्छा इनिशिएटिव है, मगर इसमें ये कहना कि हम बाहर से बहुत पैसा ले आएंगे और अपना निज़ाम चला लेंगे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, ये इन इफेक्ट ये इम्प्लाई कर रहा है कि अंदरूनी हमें सख्त और भारी रिफॉर्म्स शायद लेने की जरूरत ना पड़े। ऐसा हुआ मुशर्रफ साहब के दौर में, आप देखिए कि हम अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के साथ शामिल हुए, 33 अरब डॉलर हमें मिले, मगर उसके बाद में आप देख रहे हैं 2007-08 के बाद, उनके आखिरी साल के बाद में हालात फिर बहुत ज्यादा खराब होते रहे हैं। देखिए, सोल्यूशन डज नॉट लाई इन बिग लंप सम एक्सटर्नल इंजेक्शंस। यकीनन पैसा आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जरूर आए, मोस्ट वेलकम, मुनासिब सेक्टर्स में आए जिससे बेरोजगारी में कमी आए, मगर साथ साथ इस वक्त आपके टैक्स के निजाम को, आपके खर्चों के निजाम को, इस तरह की चीजों पर आपको बिल्कुल जहन से बड़े बड़े इकदाम लेने हैं। बिलीव मी, वक्त आ चुका है। आपका जो पब्लिक डेट है वो 4-5 साल पहले 60% था हमारे इकोनॉमी का, आज वो 75% तक जा चुका है, और इस रफ्तार से अगले 5 साल में ये 100% तक जा चुका है।